जी बनाना ट्रू पोटैटो सीड्स। अब जो ट्रू पोटैटो सीड है ना, ये कहते हैं सीड डिवेलप विद इन द फ्रूट ऑफ पोटैटो, जो कि पोटैटो के साथ डिवेलप है। इरेग्रेट आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स विच आर, तो इसका आंसर है विच आर वर्कर्स। फिर है सीमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए वर्किंग कर रही है? फॉर द वर्किंग ऑफ व्हीट एंड मेज, ठीक है, व्हीट एंड मेज के इम्प्रूवमेंट के लिए ये वर्क कर रहे हैं। इन वेरियस प्लांट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो पीपीपी है ना, ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अरेचिनिड्स आर द आर्थ्रोपोड्स, इसके अंदर कितनी पेयर होती हैं? फोर पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, फोर पेयर्स ऑफ नेक्स्ट अरेचिनिड्स। फिर सेरिकल्चर आ जाता है, वही सेरिकल्चर का मतलब क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। अब जो कॉटन की स्पीशीज जो कि मेन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उसको हम कहते हैं गोसिपियम हिर्सुटम, ठीक है, क्या उसको कहते हैं? गोसिपियम हिर्सुटम कहते हैं उसको हम। इनब्रेड लाइंस आर डेवलप्ड टू सिलेक्शन एंड इनब्रीडिंग इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सेफलोर क्या है? ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के अंदर कैनोला है, सनफ्लोर है, सीसेम है, इसके अलावा कैनोला है, सनफ्लोर है, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सोयाबीन और कॉटन सीड, इसके अलावा है कैमलीना, कैमलीना, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सेल्फिंग इन क्रॉस पोलिनेटेड पोअर होता है परफॉर्मेंस के अंदर। सोइल स्ट्रक्चर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? विद द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के एडिशन से हम सोइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। साइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम्स किसके दरमियान होता है? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी को, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अच्छा, और जो मोस्ट सुटेबल पार्ट है प्लांट का जो कि हम म्यूसिस की स्टडी में यूज करते हैं वो है एंथर, ठीक है, एंथर को स्टडी करते हैं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, वाटर के ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड नेचर के अंदर क्या है? सेलुलोज, और ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाने वाला सबसे ज्यादा है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस की जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करवाई जाती है। द अमीनो एसिड्स जो के मैमल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ये क्वांटिटेटिव का मतलब भी है ऐसा जिसको हम मेजर कर सकते हो, ठीक है, तो ये मेजरेबल ट्रेड्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस वेरिएशन, इसके अंदर मुसलसल वेरिएशन आ रही होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ क्या कहलाता है? अपोप्टोसिस कहलाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म का है वो कैसे चेंज होता रहता है? विद एज, इन्वायरमेंटल चेंज, न्यूट्रिशनल चेंज, नन ऑफ दीज आएगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जेनेटिक ट्रेड्स इन प्लांट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जेनेटिक ट्रेड्स प्लांट्स के अंदर जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट से, क्योंकि बिकॉज दीज आर पॉलीजेनिक ट्रेड्स। कौन से ट्रेड्स होते हैं? वो पॉलीजेनिक ट्रेड्स होते हैं। ओनली प्लांट सेल्स कंटेन, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही होता है, एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। द अकोमुलेशन ऑफ सीओ टू, लार्ज क्वांटिटीज में सीओ टू का अकोमुलेट हो जाना एटमोसफेयर के अंदर क्या काज करता है?
वो काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ओवरी इम्प्लांट, जो ओवरी है ना वो मेच्योर होकर क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जिसको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, फॉसिल फ्यूल्स है। अ प्लांट डिसीज कास्ट बाय बैक्टीरिया, ये लूज स्मार्ट लीफ रस्ट पाउडर मिल्डो, ये सारे वायरसेस की डिसीजेस है। किसकी वजह से होती है, ये वायरसेस की वजह से होती है, सॉरी सारी ये वायरसेस की वजह से नहीं होती, प्लांट डिसीज बैक्टीरिया की वजह से जो होती है वो क्राउन गॉल होती है, ये लूज स्मार्ट, ये सारी फंजल डिसीजेस है। इंजाइम्स जो है ये केमिकली क्या है, ये केमिकली प्रोटीन्स है, ठीक है, इंजाइम्स केमिकली प्रोटीन है। जीन्स क्या डिटरमाइन करता है, बेबी का सेक्स भी डिटरमाइन करता है, फिनोटाइपिक करेक्टर है, ठीक है, और सेंथिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ दीज आएगा इसके अंदर। आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की, थिन होती है, डेलिकेट होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये ओनली एनिमल सेल्स के अंदर होती है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि वेलफेयर ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स की जो वेलफेयर के लिए है, तो ये सारे आ जाएंगे। मैनिपुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, चीज मेकिंग, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी है। द शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज जंप फ्रॉम 23 इन द 1996, अब जो शेयर है ना लाइफ स्टॉक का वो 60% है एग्रीकल्चर ग्रोथ में, कितना है 60%, कहीं पे आपको 61% भी मिलेगा, ठीक है, 60% या आपको 61% भी मिलेगा। आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द पाकिस्तान कमर्शियल फॉरेस्ट कवर, इसको आप जरा गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा। टू डिक्रीज वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मेगा प्रोजेक्ट फॉर द कॉस्ट ऑफ रुपीज, ये छोड़ दें। अ कंडीशन वेयर देयर इज अ एक्सेसिव प्रोड्यूस इन द मार्केट, मार्केट एक कंडीशन जहां पे मतलब मार्केट के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो जो कि प्राइस को डाउन कर दे, मतलब जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हो जाएगी, तो जो प्राइस डाउन हो जाती है उसको हम कहते हैं मार्केट ग्लोर। फिर है टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, अब कितनी अमाउंट जो अब रिसेंट डेटा है ना उसके अलावा कितनी अमाउंट की है, 22.50 बिलियन, ठीक है, टोटल अमाउंट जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए अब एलोकेट की है वो कितनी है, 2250 बिलियन, ठीक है, ये 2024 का डाटा है, 2024 का डाटा है, 2250 बिलियन स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान ने एलोकेट किए हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्पर्समेंट के लिए। है द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, और शुगर केन की जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है ना ये आपको मैं रिसेंटली बताती हूँ,